Hello friends, good evening. एंड वेलकम बैक। जैसे कि आज देख पा रहे हो सिंपल सब्जेक्ट है जो कि बोट एंड रिफ्लेक्शन। तो बोट एंड रिफ्लेक्शन के ऊपर मैंने आज थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे टिप्स इसमें से मिलेगा, ठीक है। ओके तो छोटा सा जब भी आप कभी स्टार्ट करते हैं सिंपल सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक सिंपल बोट है और बोट के रिफ्लेक्शन हैं, कुछ वो मछली पकड़ने वाली वो जो बर्ड्स होते हैं वो भी है और एक कलर टोन में है, बहुत सारे कलर्स की वेरिएशन नहीं है, तो बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो सभी को मैं वेलकम करता हूं और मैं आपको बहुत कुछ शेयर करने जाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, किस तरह से आप सिंपल चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल बोट्स कैसे कलर्स उसको कैसे करना है, ये सब चीज़ें। इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ज़रूर शेयर बताना चाहूंगा कि अभी इन दिनों में मैं फिर से ऑन द स्पॉट में काम करने जा रहा हूँ प्लेन एयर पेंटिंग। तो वो सब प्लेन एयर पेंटिंग का जो वीडियो है मैं देखा, तो एक सेकेंड, तो जैसे कि ये पेंटिंग है, तो आपको ये पेंटिंग का जो वीडियो है आपको मिलेगा प्लेन एयर पेंटिंग विद अचिंत बोल के एक चैनल है। प्लेन एयर पेंटिंग विद अचिंत चैनल पे पूरा वीडियो अवेलेबल है। तो कैसे ऑन द स्पॉट में जाके काम करना ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। और देखो ये मैं एक्रिलिक में एक क्लास के अंदर दिखाया था, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉम्पोजिशन, तो वाटर कलर में भी इसे ट्राई करेंगे। ओके मटेरियल्स का ऐसा है कि जो भी मटेरियल्स आपके पास में हो उसी से शुरुआत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा मटेरियल्स जरूरत है तभी जाके आप काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो कलर्स है, मैं एक बार आपको ये जो हमारा रेफरेंस है बड़ा करके थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो आप देख रहे हो जो सब्जेक्ट है इसमें क्या हो रहा है, वो ग्रीन और लाइट के बीच में बहुत सारे स्टेज बन रहा है। एक लाइट वाला एरिया नोटिस कीजिए कहाँ कहाँ लाइट है, फिर थोड़ा डार्क हुआ कहाँ पे ग्रीन नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ जो है जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क हुआ, फिर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो है वो डार्क हुआ, मतलब बोट का रिफ्लेक्शन डार्क हुआ, फिर बोट के ऊपर थोड़ा डार्क हुआ, फिर बोट के नीचे वाला जो ब्लैक वाला जो बोट के नीचे वाला पार्ट है वो डार्क हुआ, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेज बना है और मैं करते करते आपको और ज़्यादा शेयर कर लूँगा। तो यहाँ पे जो है छोटा सा पेपर लेके आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा ऐसा परेशानी नहीं होगा आपको। बहुत छोटे छोटे पेपर लेके A4 A5 पेपर लेके आप ट्राई कर सकते हैं। ओके आप सभी का मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ, थैंक यू क्रिएटिव किंग्स, रुचा मैम, अमृता जी, मैंसु, सभी को वेलकम करता हूँ। और आपका कुछ ऐसा सवाल हो इसके बीच में तो जरूर पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये सब जो मटेरियल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि सिल्वर ब्रश, तो ये सब जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं आर्टिकेट की बात कर रहा हूँ। आर्टिकेट ऑनलाइन आर्ट स्टोर है, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं।
ठीक है, वो ब्लू काम हुआ था तो ब्लू हटा दिया थोड़ा, और ग्रीन मुझे जैसा चाहिए वैसे मैं स्टार्टिंग से बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा ऑलिव ग्रीन जैसे कि देखने को मिल रहा है, तो ये कलर नहीं है, हम बहुत मतलब उसको समझ नहीं पाते, तो कोई एक कलर के वजह से नहीं है, बहुत सारे कलर्स है। देखिए आपको वो कलर बनाना है, तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट भी आया है, रिडियन भी आया है। जरूरत पड़ सकता है कि बन टम्बर, जरूरत पड़ सकता है थोड़ा क्रिम्सन, क्रिम्सन में एलिजरिन या नॉर्मल क्रिम्सन लेक भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से ये पैलेट व्हाइट होने का कारण भी यही है कि आपको ये समझ सकते हैं आपकी क्या कलर। हेलो गुड इवनिंग शर्मिष्ठा जी। हाँ शर्मिष्ठा बाशु, शर्मिष्ठा रॉय, दीपक शर्मा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो यहाँ पे क्या करूँगा, क्या किया मैंने, एक तो पहले गीला किया ठीक है, और मैं कलर को ढूंढ रहा हूँ है ना, जो रेफरेंस में मैंने देखा है कि उसके अंदर। अभी क्या ये कैसे ढूंढेंगे, इसका भी एक मतलब किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कलर्स को, ये बहुत बड़ा रोल है। तो मैं हाल ही में एक मेरा क्लास मैंने लॉन्च किया है जो कि बिगनर्स वाटर कलर। लोगों को सुनने में ऐसा लगता है यार बिगनर्स वाटर कलर में क्या करेंगे बिगनर्स में, मैं बता दूं आपको बिगनर्स वाला नहीं मालूम है तो आप कुछ नहीं कर सकते आगे जाके। और मैं उसी का एक पार्ट में शेयर करना चाहूँगा जो मैं क्लास के अंदर जो 10-15 जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनको मैं सिखाने जा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि ये जो आप ग्रीन देख रहे हो ना, ये सब ग्रीन, ये मैंने कोई ग्रीन कलर यूज नहीं किया ठीक है। तो विदाउट ग्रीन कलर यूज करके ब्लू और येलो शेड्स, बंसियाना, बंटम्बर, येलो, अल्टामरीन, कोबाल्ट ब्लू, इन सबको मिला के ये कलर निकाला। तो क्या हुआ, मैं उनको प्रैक्टिस में दिया है, ये जब वो प्रैक्टिस करेंगे उनकी माइंड्स को रीड करेगा इन कलर्स को कि किस तरह से ये वाला ग्रे टोन बना, ये ग्रीन का ग्रे कैसे बनेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिसिंग के जरिए आप यहाँ पे क्या एग्जैक्ट कलर है उसको ढूंढ पाएंगे ठीक है। क्रिएटिव किंग्स ने कहा कि सर फोटो से देख के पेंटिंग अच्छे से हो जाता है लेकिन ऑन द स्पॉट में थोड़ा दिक्कत होता है। ओके हाँ ये तो होता है, और शुरू में मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा नहीं कि मैं ऑन द स्पॉट में जाके बहुत मास्टर वर्क किया है, तो ये हर किसी के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या है कि शुरू में अच्छा नहीं होगा, बट हाँ अगर कोई आपके आसपास कुछ मेंटर है तो उनके साथ में जरूर जाइए, या अगर आपके पास कोई मेंटर जा रहा है तो उनको टाई अप कीजिए। उससे क्या होगा कि आप उनसे थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं कैसे 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 कर रहे हैं ठीक है, और धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा। तो देखो बातों के बीच में काम को भी मुझे ध्यान रखना होगा, और यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है हम बहुत देर नहीं कर सकते, पेपर हो जाएगा सूख जाएगा ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसे कि कलर्स को कैसे समझते हैं, समझेंगे तो उस कलर्स को समझने के लिए ना आपको उस तरह से कलर्स मिक्सिंग करना पड़ेगा जो मैंने बात बोला। मैंने यहाँ पे कलर क्यों लगाया, आप नोटिस करेंगे इस वाला पार्ट में ना थोड़ा लाइटिंग है, और ये फोरग्राउंड में धीरे धीरे ग्रीन जो है थोड़ा डार्क हो रहा है। अगर फोटो को आप अच्छी तरह देखेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। कलर मिक्सिंग इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ वाटर कलर, ऐसा कुछ हार्ड कुछ नहीं है उसमें, कम से कस्सी चलाना आपको या कुछ पार तोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड कुछ नहीं है। आपको कलर के बीच में आपको चैलेंज लेना है, यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है उसको बना के देखना है। कुछ भी सामान उठाइए, जैसे मेरा ये इरेजर है पेन टाइप का, तो इसका जो ब्लू है कौन सा ब्लू है उसको आपको खुद को चैलेंज लेना है, एक पेपर लेना है उसके ऊपर जाके आपको ये कलर बनाना है खुद से। तो ऐसे जब खुद को चैलेंज देंगे ट्राई करेंगे तो आप सीख जाएंगे, क्योंकि उस समय आपके माइंड रीड कर रहा है ना कलर्स को, और जब रीड करता है तब क्या होगा
आप उसको ठीक बनाते बनाते एक समय ठीक बनाएंगे। अभी देखो यहाँ पे ये सब, ये जो मैं अभी करूँगा कुछ, ये सब टेक्निक्स है वाटर कलर्स के। और जो मैं बात बोल रहा था कि बिगनर्स लेवल का जो वाटर कलर है वो बिल्कुल, जिनको समझ में नहीं आता वाटर कलर कैसे काम करता, उनके लिए बिल्कुल है, कोई एज लिमिट नहीं है। बच्चे से लेकर के जो भी एज है आप ज्वाइन कर सकते हो उन क्लास में, बहुत इंटरेस्टेड है बहुत सारे स्टूडेंट्स। आज के डेट में वो क्लास हो रहा है, वो जो क्लास अभी चल रहा है बिगनर्स का, शनिवार को चलता है 8:30 बजे। हाँ तो देखो ये जो आइए इसको क्या बोलते हैं हम, मतलब हाइलाइट्स, ठीक है। तो हाइलाइट्स को आप इस तरह से थोड़ा निकालेंगे तो एक ट्विस्ट बन जाएगा, मतलब ये वाटर कलर मीडियम में आपको इस वक्त करना पड़ता है ये चीजें, ठीक है। और जैसे कि ये थोड़ा हल्का हो गया, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ करना है तो पूरा ड्राई करना पड़ेगा, पूरा ड्राई करके फिर मुझे पूरा गीला करना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा, बहुत सारे बातें शेयर करूँगा, तो उसके बीच में मैं ये भी बताऊँ। तो जैसे मेरा ये हल्का हुआ और थोड़ा डार्क अभी नहीं कर सकता, अभी करने से पैचेस होगा, तो उसको भी समझना है कि कब पैचेस आता है। वाटर कलर को सीखने के लिए वाटर कलर में जो एक्सीडेंट होता है उसको सीखना है कि एक्सीडेंट से बचना कैसे है, ठीक है। तो वो जब आप बार बार करेंगे तो हो जाएगा। गुड, अच्छा है, सवाल करते रहिए, मैं आपके सवाल भी पढ़ता रहूँगा, जो भी आपके मन में है डाल दीजिए, लिख लीजिए। लाइट को शो करने के लिए कौन सा कलर यूज कर सकते हैं, एंड शेडो दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज कर सकते हैं। ये कोई सैम जी, ये कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है कि वो कलर से आपके लाइट बन जाएगा, वो कलर से आपके शेडो बन जाएगा, ठीक है। लाइट सोर्स क्या है, आपके ऑब्जेक्ट क्या है ना, किसके ऊपर सरफेस, किसके ऊपर आपको लाइट गिर रहा है ना, कितना लाइट है हाँ, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके लाइट और शेडो, फिर उसको कलर्स को अंडरस्टैंडिंग करना। यहाँ पे क्या, आज के कंपोजिशन में देखिए यहाँ पे लाइट है बट लो लाइट है ना, कैसा है, लो लाइट है, तो लो लाइट, बहुत हाई लाइट नहीं, लो लाइट, हल्का सा लाइट है। कितना लाइट है उतना रखना है, उसमें शेडो के लिए क्या, ग्रीन ग्रीन से ही बन रहा है सब, है ना। तो कलर हारमोनी भी बहुत प्यारा सा क्रिएट हो रहा है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे हो। ये सब बातें मैं बातों बात बात कर रहा हूँ, और बीच में मैं टाइमिंग ले रहा हूँ उसको, क्योंकि वाटर कलर मीडियम जो है पूरा खेल टाइमिंग में ही है। अल्टरमेरियन बन टम्बर, बहुत सारे कलर शायद यूज नहीं होगा, और वह तो अभी देखेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने और क्या है कि आप इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिए, इसका मतलब क्या है कि आप इमीडिएटली बहुत डार्क कलर नहीं लगाएंगे, उससे क्या होगा आपके जो कहीं पे लाइट करना था वो शायद खराब हो जाएगा और लाइट नहीं कर पाएंगे, ये सब सिचुएशन आ सकता है। तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसे आगे बढ़ सकते हैं। आपकी इरेजर आपके हाथ में होना चाहिए, सॉरी टिश्यू आपके हाथ में होना चाहिए, ये इरेजर ही है, ठीक है। तो देखो ऊपर से लाइटिंग में बना के रख रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अल्टामरीन बंटम्बर, तो मैं बहुत डार्क करके कलर नहीं लगाऊंगा, बहुत हल्का करके ही, मतलब नॉर्मल सा कलर बना के चल रहा हूँ, और मुझे जरूरत पड़े तो मैं डार्क करूंगा, तो क्या थोड़ा सॉफ्ट बनता रहेगा। और वाटर देखो आप पैलेट में वाटर आप फॉलो कर सकते हैं कि वाटर कितने सारे उसके साथ चल रहे हैं, हमेशा वाटर कलर जो मीडियम है ना वो चाहता ही है कि पानी में तैरू। बट इस समय क्या हुआ, थोड़ा सा ये जो ड्राई हो चुका हल्का हल्का आपके साथ बात करते करते, थोड़ा क्या ड्राई हुआ, तो उस ड्राई में स्टेबल हो रहा है थोड़ा कलर, मतलब रुक रहा है। और हालांकि ब्लैक ही स्टोन है यहाँ पे, बट मैं क्या कर रहा हूँ अभी हल्का सा एक नॉर्मल सा ब्लू और बंटम्बर के साथ कर रहा हूँ।
ठीक है, इसी तरह आप सवाल करते रहिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल के आंसर देने के लिए। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसी के साथ अल्टरमरीन, क्रिम्सन, रेडियन, ऑलिव ग्रीन, ये सब कलर को लेकर के थोड़ा डार्क ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के साथ मैं रिफ्लेक्शन में नीचे जा रहा हूँ, तो जो रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ, तो इस समय क्या हो रहा है, स्टेज में बोर्ड का जो कलर है वो मर्ज होके एक जैसा हो गया, तो कुछ कोई बात नहीं। उसके बाद क्योंकि मैं बोर्ड में कलर डार्क करूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है मैं कैसे कर रहा हूँ और आप भी कर सकते। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बोर्ड के साथ मैंने ये कलर जो है मर्ज कर दिया। आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन अलग हो जाता है, बोर्ड अलग हो जाता है, उसके अंदर रिलेशन नहीं रहता, तो रिलेशन भी बना के रखना है कंपोजिशन के अंदर। एक एक रिलेशन में आ गया सब, एक रिदम में आ गया। ठीक है, ये पानी के अंदर डार्क तो है, बट ऐसा नहीं है कि इतना डार्क नहीं होता है कि वो जो पानी के ऊपर जो होगा उससे डार्क नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी आप कुछ चीजें बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन के अंदर जो चीजें है वो कभी भी ऊपर वाले से अच्छा डार्क या ऐसे हार्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, वाटर के साथ लेके 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 कनेक्ट करते हुए नीचे लेके गया, जिससे कि ये सॉफ्ट हुआ कुछ इस तरह से। श्याम वर्मा जी का सवाल किया कि सर एज ए बिगनर पेंटिंग के लिए मिनिमम कलर यूज करें, या जैसे आप एक साथ काफी सारे मिक्स करके कर रहे हैं ऐसे यूज करना है। तो ऐसा है कि इन्हीं चीज को सीखना है कि ये कलर कैसे बन रहा है, और सिंगल कलर में नहीं होता। वो बच्चों बच्चे जैसा होता है ना, जैसे काम जैसे वो आ जाता है कि आपने ग्रीन देखा सिंगल विरिडियन यूज किया, आपने सैप ग्रीन देखा सिंगल सैप ग्रीन यूज किया, तो वो बच्चों टाइप का काम हो जाता है। तो बच्चों टाइप का इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे अक्सर इस तरह से काम करते हैं, और अदरवाइज ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे भी इन चीज को समझ पे आते हैं कि ऐसे कलर मतलब किस तरह से काम करना है। अच्छा, दूसरा है कि जरूर मिक्स करना है ऐसा। ठीक है, आप बिगनर्स हैं तो उसमें कुछ नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि कलर्स क्या है, उसके क्या क्या मिक्सअप से वो बनेगा कलर। ये अच्छा ही है ना, बिगनर लेवल पे ही इसको सीखना है, समझना है। बिगनर लेवल में करना क्या है कि आपको कॉम्पोजिशन सिंपल लेना है, सब्जेक्ट छोटा सा लेना है, और छोटा सब्जेक्ट जब लेंगे सिंपल कॉम्पोजिशन लेंगे आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, आप बड़े आसानी से आप उसे हैंडल कर सकते हैं। अब नीचे वाला गीला है तो ध्यान रखिए, मैं क्रिम्सन लिया, अल्टरनेट लिया, बंटम बढ़ लिया, अभी नीचे वाले में जो डार्क किस एरिया है ना वो मैं सूखे में यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो पानी के अंदर है, तो जो भी मैं कुछ उसके अंदर ऐड करूंगा वो गीले गीले में ऐड करूंगा, ऐसा जैसे आप अभी देख पा रहे हो। तो एक समय के बाद अगर मैं इस तरह से डार्क कुछ उसमें ऐड करता हूँ तो क्या होगा कि वो ऐड हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि सब मिक्स हो जाएगा, एक टाइम है। और वाटर कलर में जैसे कि मैं कहता हूँ टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे बात आ गया फिर बोट में जो कलर्स है उसका क्या था, जो हमने किया था वो तो अभी हल्का पड़ गया। नहीं, अभी क्या करूँगा, अभी भी वो नमी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किया था बंटम और अल्टामेरिन और एलिजरिन किम्सन को। अल्टामेरिन को थोड़ा ज़्यादा लिया गया इस बार, और फिर यहां से फिर से उसके ऊपर से शुरू किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जब नीचे का रिफ्लेक्शन के साथ भी थोड़ा तो टच भी हो जाएगा, तो मतलब टच होने के बाद भी ऐसा समय पे आपको यूज करना है कि टच करने के बाद भी वो नीचे स्प्रेड ना करे, होता ना थोड़ा नमी रहते रहते, तो ऐसे में वो यूज करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
तो अभी क्या हुआ, रिफ्लेक्शन पार्ट अलग हुआ, बोट का ये जो डिजाइन है वो अलग हो गया और सॉफ्ट भी रहा। ठीक है सर, एक बार पानी भिगो के कलर देने के बाद सूख जाने पर फास्ट, थोड़ा थोड़ा मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके थैंक यू सर फॉर दिस आइडिया। रिफ्लेक्शन एक्चुअली ऑब्जेक्ट से डार्क नहीं करना, राइट एकदम कस्तुभ जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे भिगो के कलर कैसे करूं? ओके आपकी बात है, करते करते ड्राई हो गया तो फिर से भिगो के क्या, आप फिर से कैसे करना? इस समय पे आपको बीच में नहीं करना, पूरा ड्राई करना है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। यहाँ पे मेरा जो है कम पड़ गया ना कलर, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं दिखाऊंगा उस पार्ट को कैसे करना। तो आपके सवाल का शायद वो जवाब उसी पे मिल जाएगा, तो थोड़ा बने रहे। मैं यहाँ पे जैसे जो कलर मैं देख रहा हूँ अभी थोड़ा सा लगा देता हूँ। तो कुछ किनारा छोड़ रहा हूँ, कुछ कलर्स ऐसे जो कि देख रहा हूँ लगा रहा हूँ। काफी प्यारा है कंपोजिशन, सिंपल है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा। मैं रेफरेंस भी शेयर करता हूँ और जो भी जब भी मैं लाइव आता हूँ वो भी शेयर करता हूँ, तो अपडेट पूरा पूरा अपडेट मिलेगा। मेरा क्या क्लासेस चल रहा है, कब लाइव आ रहा हूँ, यूट्यूब में क्या चल रहा है, जो भी कुछ मैं वहाँ पे अपडेट देता हूँ। जो लोग नए हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा अपडेट आपको मिलता जाएगा। अच्छा पेंटिंग क्या होता है, हमें तीनों स्टेज में ही होता है, वेट एंड वेट, स्टेप बाय स्टेप। अभी ये एक ड्राई ड्राई ब्रशिंग बोलते हैं जिसे, अभी ये स्टेज में है क्या, ड्राई ब्रशिंग हो रहा है, हल्का हल्का ड्राई ब्रशिंग में, ड्राई ब्रशिंग में आ गया। ठीक है पेंटिंग स्टेज में आ गया। बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ड्राई ब्रशिंग करते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या नहीं करना है कि बहुत डार्क कलर पहले अप्लाई नहीं करना है, तो कुछ कुछ ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके तो मैं डार्क करने के लिए बस अल्टामरीन को ज्यादा एक्टिव कर रहा हूं, जिसे डार्क हो रहा है। ठीक है बहुत कुछ, जो भी कुछ आप डालना चाहते डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं पहले ही एक बर्ड्स का रिफ्लेक्शन बना देता हूँ। बनाना तो है यहाँ पे क्यों ना। हाँ तो वो आप देखिएगा यहाँ पे मैं कैसे करूँगा वो वाला पार्ट। शर्मिष्ठा राय क्या दोस्त, यहाँ पे क्या ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्या है यहाँ टॉप ऑफ द बोट। हाँ वो तो बनाना है ही है। ठीक है यहाँ तक ये क्लियर हो गया शायद, आप मुझे लग रहा है। ठीक है तो ये तकरीबन हो ही गया काम हमारा, है ना। एक छोटू सा ब्रश लेते हैं और थोड़ा बंट अंबर के साथ, अल्टामरीन के साथ, क्रिम्सन के साथ, अल्टामरीन ज्यादा आ जाएगा। ठीक है तो देखना है कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ यहाँ पे एक बात जरूर है कि ड्राइंग का जो मारामारी है ना, मतलब बहुत ज्यादा आपके ड्राइंग का जितना अच्छा नॉलेज रहेगा उतना ही अच्छा है। ड्राइंग अच्छा है तो आप किसी भी मीडियम के साथ आप मतलब खेल सकते एकदम।
यहाँ पे बर्ड्स को थोड़ा सा ऐसा डार्क किया था कि इंटरेस्टिंग बने। अभी थोड़ा कहीं पे थोड़ा थोड़ा आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं आई ब्रशिंग के जरिए। लाइनर ब्रश के जरिए भी कर सकते हैं, बिगर ब्रश में थोड़ा पतले पतले कुछ अगर एक्टिविटी आपको करना है तो। ओके, जो मैं बात बोल रहा था कि क्या करना आपको, देखो ये से ट्राई भी करना है इसको, ऐसा नहीं सोचना है कि खराब हो जाएगा क्या होगा, खराब होगा होगा। थैंक यू श्याम वर्मा जी एंड कर्मिष्ठा राय जी। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट एक चीज मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि यहाँ पे जैसे मेरा हल्का हो गया ना, मैं फुली ड्राई कर रहा हूँ अभी। ड्राई किया, आपके सॉफ्ट फ्लैट ब्रश होना चाहिए इस समय, कि आप ऊपर से पूरा गीला करेंगे। मुझे लगता है नीचे आने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ही तो होना है वो काम। तो ये जिनका पॉइंट था कि ऐसे में क्या कर सकते और कैसे कर सकते, जैसे कि मुझे और थोड़ा डार्क यहाँ पे करना था तो मैंने गीला किया, अच्छी तरह ड्राई किया, गीला किया, अल्टामरीन, बनटम्बर, जो कलर आपकी जरूरत है, आपको जो लग रहा है, फिर यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। और जिन्हें इससे डिटेल्स में और ज्यादा सीखना है, जिस तरह से रेगुलर बेसिस क्लासेस है, जरूर रजिस्ट्रेशन करके आप सीख सकते, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो गीले में क्या वो ऐसा स्प्रेड करेगा, मतलब मर्ज हो जाएगा। कैमरा का स्टैंड बाई था। ओके, कुछ देखिए ये यहाँ तक आ गया। हम पैचुला का इस्तेमाल करते हैं कहीं बार, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ लाइट नजर आ रहा है, और से नोटिस करेंगे मतलब उसके आर पार कलर नजर आ रहा है, हम इसका पैचुलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैचुला इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं करीम इस्तेमाल करता हूँ, कटर सबसे अच्छा होता है। अच्छे अच्छे पैचुलर भी इतना अच्छा काम नहीं करता जितना मुझे इसमें मिलता है, बाकी आप देख लीजिए आपको जिसमें अच्छा ये हो जाए। वाटर को वाटर लगने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो चार ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पे डाल सकते जिससे कि वो थोड़ा वाटर का असर करे। मैं थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जैसे वो वाटर का वो मिठास है, वो अच्छा लग रहा है। ये
जो आपस में मिक्स हो जाना है ना, वो बहुत अच्छी बात कहता है हमेशा। थैंक यू कस्तब जी, फैंटास्टिक आइडिया, थैंक यू एम जी फॉर आस्किंग। हाँ राइट, जरूर। तो आप लोगों का सवाल जब भी कभी मेरे चैनल पे आते हैं, और आप सॉरी कुछ कलर्स का इशू हो रहा है शायद। ओके, जब भी कभी आप चैनल पे आते हैं, जब भी कभी आप वीडियो देखते हैं, आप यहाँ पे कोई सवाल होता है तो आप जरूर डालिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ। और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, और ऐसी इसी तरह से मैं आता रहूँगा आपके लिए, कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। और अभी कुछ कुछ ट्राई कीजिए सिंपल, छोटे छोटे, जिससे कि धीरे धीरे आपके इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम टाटा करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट किसी दिन कंपोजिशन के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय।